नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले भी बढ़ने लगे हैं। सूबे की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की रणभूमि में अपने अपने दांव चल रही हैं। कोई जनसेवा से जनता को लुभाने में लगा हुआ है तो कोई दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाकर यूपी की राजनीति में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। अब ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप लगाकर राजनीति चमकाने में इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है आम आदमी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की जमीन पर पहली बार अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले के आरोप लगाए थे। हालांकि उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ताधारी योगी सरकार और ट्रस्ट ने भी सभी सवालों के जवाब देकर पार्टी के आलाकमान नेता संजय सिंह का मुंह बंद कर दिया था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अभी भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है और इस बार आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय पर घोटाले का आरोप लगाया है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। आप पार्टी ने आरोप लगाया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने उस कंपनी को परियोजना के तहत पाइप सप्लाई करने का टेंडर दिया है जो देश के तमाम राज्यों में ब्लैकलिस्टेड है, जिसे सेना ने भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने कंपनी को फर्जी कंपनी यानी कि बोगस कंपनी तक करार दिया। खबर के मुताबिक भारत सरकार ने बुंदेलखंड समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराने के लिए उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। मिशन में 1,20,000 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है, जिसमें 60,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी और 60,000 करोड़ राज्य सरकार को देना होगा। इस भारी भरकम बजट के तहत 3 साल में प्रदेश के तमाम घरों में पाइपलाइन बिछाकर स्वच्छ जल आपूर्ति की योजना लागू की जाएगी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। आज जिस भ्रष्टाचार का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, अब तक जितने भी भ्रष्टाचार सामने आए उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यह है जिसको आज मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति के मामले में राज्यों और यूटी को मिला लिया जाए तो 31वें नंबर पर है, 31। मात्र 11% लोगों को ही हम पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति कर पाते हैं और इसलिए भारत की सरकार ने एक योजना की शुरुआत की, जल जीवन मिशन। और इस जल जीवन मिशन में घर घर लोगों को जल पहुंचाने की योजना बनाई गई, पाइपलाइन के जरिए घर घर में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई, गांव गांव में घर पहुंचाने की पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई। और ये योजना कोई मामूली योजना नहीं थी, ये योजना 1,20,000 करोड़ की योजना, 1,20,000 करोड़ की योजना। और उस योजना में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल शुरू हुआ कि देखकर नटवर लाल को भी शर्म आ जाए। ऐसा भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ कि 2G भूल जाओ, कोयला घोटाला भूल जाओ, उत्तर प्रदेश का NRHM घोटाला भूल जाओ। इन सारे घोटालों को पीछे छोड़ते हुए आदित्यनाथ की सरकार ने जल जीवन मिशन में महाघोटाला करने का काम किया। और ये घोटाला हो किसकी देखरेख में रहा है? आदित्यनाथ जी की सरकार के सबसे करीबी मंत्री उनके डॉक्टर महेंद्र सिंह, जो जल शक्ति मिशन और जल जीवन मिशन का कार्य देख रहे हैं, उनके निगरानी में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा, ये तमाम लोग मिलके। वहीं इस मामले में अब जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से लगाए गए सभी आरोप पूर्णतः गलत हैं।
और विभाग द्वारा किसी भी फर्म को पाइप आपूर्ति के आदेश नहीं दिए गए हैं। ये कार्य ईपीसी मोड पर होने की वजह से पूरी गुणवत्ता की जांच तरीके से की जा रही है। विपक्ष को आने वाली पीढ़ियों के लिए किए जा रहे विकास कार्य हजम नहीं हो रहे, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली की आप सरकार ही देश में घोटालों और भ्रष्टाचारों के लिए बदनाम है। उन्होंने कहा कि हवा में अशिक्षितों यानी कि अनपढ़ों की तरह आरोप लगाने वाले संजय सिंह को बिना सोचे समझे और नियमों की जानकारी लिए बिना गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये योगी जी की सरकार है जिसमें घोटालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये थे आम आदमी पार्टी और यूपी प्रभारी संजय सिंह के आरोप और उन पर योगी के मंत्री महेंद्र सिंह का पलटवार। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ दिल्ली में काबिज केजरीवाल सरकार पर खुद एमसीडी में 13,000 करोड़ के घोटाले होने का आरोप लगा है, वहीं उन्हीं के नेता दूसरे राज्यों में अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां की सरकार पर इस तरह के गलत आरोप लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो अब देखना होगा कि फ्री की राजनीति करने वाले आपका ये आरोप सच साबित होता है या फिर राम मंदिर में घोटाले वाले आरोप की तरह ये भी खारिज हो जाता है। फिलहाल इंतजार है तो इस मामले में सीबीआई जांच का या फिर ये उससे पहले ही रफादफा हो जाएगा। इस खबर पर अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।